युवती ने फांसी लगाकर दी जान। थाना सिविलाइन के चंदनगर का है पूरा मामला। बता दें थाना सिविलाइन क्षेत्र के चंदनगर में एक युवती ने आज गुरुवार सुबह करीब 9 बजे फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली, जिससे परिवार में कोहराम मच गया। सिविलाइन पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। शव को अपने कब्जे में लेकर सिविलाइन पुलिस मोर्चरी हाउस भेज दिया गया। वहीं जानकारी करने पर पता चला कि युवती चंदनगर की रहने वाली है। युवती की उम्र लगभग 16 वर्ष बताई जा रही है। परिजनों के मुताबिक युवती ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजन युवती को लेकर अनफानन में जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर ने युवती को मृत घोषित कर दिया। वहीं मृतका की मां का आरोप है कि इलाके का ही एक युवक उसकी बेटी को काफी दिनों से परेशान कर रहा था, जिससे परेशान होकर आज उनकी बेटी ने घर में फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। एएसपी कुलदीप गुनावत ने जानकारी देते हुए बताया कि एक 16 वर्षीय युवती ने थाना से बिलाने से चंदनगर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। प्रथम दृष्टि से आत्महत्या मानी जा रही है। जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि आत्महत्या किन कारणों से हुई है। संभवतः प्रेम प्रसंग को लेकर ये कदम उठाया गया है। परिजनों द्वारा जो भी आरोप लगाए गए हैं, इसके तहत कोई शिकायत परिजनों द्वारा अभी प्राप्त नहीं हुई है। शिकायत के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। क्या घटना हुई है? रात में जब ड्यूटी से आई, ड्यूटी से आने के बाद में एक लड़का था घर पे मेरे। क्या नाम उसका? का नाम है छोटू नाम है। तो मैं आन के कपड़े धोने बैठ गई। ये पता ना कहाँ छत पे दुबका, पता ना कहाँ दुबका। तो दुबका क्यों आन के घर में है? तो सामने आता मेरे, कोई बात नहीं। लड़का मेरे दुकान, मैंने अपने लड़के दुकान पर भेजा, उन्हें बेटा सामान लिया, उनने देखा, उसका हाथ में छुड़ा कर मैं भागा। वो लड़के मेरे ये कही, मम्मी छोटू आया देखो। मैंने लड़के से ये पूछा, नहीं बेटा क्या करना आया था ये? वो मना कर चले, नहीं आया मम्मी। अच्छा ये रस्ते में लिया था, रस्ते में मिलने के बाद में इन्होंने घर वालों ने पूछा क्या करना आया था हमारे घर पे, है जरा सा ही लड़की है तू, उसके ऊपर इसी को करेगा तू, है भाई। इतना कहने के बाद में मैं तो अपने खाना उना लेकर ड्यूटी चली गई। फिर पता चली फांसी लगा ली छुट्टी। परेशान करता था जी? तो परेशान तो काफी टाइम से कर रहा था। अमन मैंने सब छोड़ दिया होगा, ये जाता था घर पे, मुझे किसी ने किराएदार ने बताया। बोला हाँ कोई आता है, बोलो कोई रिश्तेदार होगा, कोई जानते होगा, इसलिए आता होगा। तो रात बताया था, बोली लगता आता रह गया घर पे। लड़का ही है? हाँ छोड़ूंगी नहीं सर बिल्कुल भी। मैं मतलब मोहब्बत बाजी का। हाँ कब से करता था ये लड़का? कम एक साल हो चुका, एक साल हो चुका। तो आपके लड़के को प्यार करती थी कि नहीं करती थी? करती होगी वो भी। क्या नाम है आपका? नन्नी। मृतक बच्ची कौन है आपकी? लड़की मेरी। अच्छा क्या हुआ है इसके साथ? ये लड़का कम से कम एक साल से पीछा करता था इसका। कौन लड़का? ये छोटू। अच्छा तो लड़की ने मिस्त्री कही, एक दो बार पापा मेरे लड़का पीछा करता है ये। मैंने इसके एक दो बार से घर भी गया समझाने, इसके मम्मी पापा को समझा गया, मैंने अपने लोगों को समझा, लड़के पीछा ना करा मेरी ये। तो वो बोले ठीक है हम समझा देंगे। रात फिर गया घर को ये समझे, लड़की फिर भी मना कर, लड़की ने मना करा कि तुझे यहाँ से मम्मी पापा जाएंगे, मुझे मारेंगे, मुझे डांटेंगे समझे। मगर जब मुझे वहाँ मिला कब्रस्तान पे, जब घर जाए था रात को 8:30 बजे, तो कब्रस्तान में मिला मुझे ये। तो मैंने कहाँ से आ रही है? बोले कहीं से आ रही हूँ मोहल्ले में से। तो मैंने इसे गाड़ी में बिठा लिया अपनी, मैंने चल बैठ के घर चलना है, मैं फिर मम्मी पापा से कहूँगा जाकर। मुझे गाड़ी उतर भाग गया गाड़ी में से ये। फिर मैं से घर गया, घर जाने के बाद मम्मी पापा से कहा तो बोले ठीक है हम समझा देंगे, यहाँ से तो गया है वो घर से। फिर हम चले घर चले गए, घर जाकर उन्होंने खाना खाया हमारे साथ, बैठकर चाहा था खाना खाया। सुबह चाय बनाई उन्होंने 6 बजे, उठ के दाल चावल बनाए, फिर अपने गाड़ी लेकर निकल गया 8:30 बजे में ऑटो लेकर। फिर उन्होंने दाल चावल बनाया, अपनी मम्मी को पैक करती है खाना, ड्यूटी जाती है ना उसकी मम्मी, तो उसको पैक करके दिया खाना दाल चावल बना कर। उसके बाद की कहानी है ये। अच्छा तो फिर क्या किया लड़की ने? क्या किया है? लगे फांसी डाल। तो क्या मानते हो, क्या लड़के की बिना पर फांसी लगाई है? लड़की को दोस्त मानते हैं हम तो, लड़के को। लड़के को? हाँ। तो लड़के को क्या हुआ, पुलिस ने पकड़ लिया? हाँ हमने पकड़वाया अपने लड़के को। अच्छा क्या करती थी बच्ची आपकी, कितनी उम्र पढ़ती थी? 15-16 साल की उम्र है, 8 में पढ़ती थी। सर सिविल लाइन क्षेत्र में एक युवती ने आत्महत्या की, पूरा मामला क्या है? थाना सिविल लाइंस में जिला अस्पताल से थाने को सूचना आई थी कि एक 16 वर्ष की लड़की है जिसने संभवतः सुसाइड किया है। इस सूचना पे पुलिस वहां पे गई और लाश को अपने कब्जे में लिया है और उस पर पोस्टमार्टम की अभी कार्रवाई कराई जा रही है। पोस्टमार्टम के बाद ही चीज़ें क्लियर होंगी कि क्या वजह रही है और किस तरीके से मृत्यु हुई है।
प्रथम दृष्टया मामला सुसाइड का ही लग रहा है और संभवतः प्रेम प्रसंग को लेके ये कारित किया गया है। इस तरह की चीज़ अभी तक कोई प्रकाश में नहीं आई है। जब तक कि कोई तहरीर इस चीज़ में अभी तक थाने को भी नहीं मिली है, उसके बाद ही ये जांच से ये पता लगेगा कि क्या मामला था पूरी तरीके से, जब इसकी तहकीकात की जाएगी। किसकी गिरफ्तारी हुई सर? अभी तक कोई तहरीर नहीं मिली है, तो कोई गिरफ्तारी वगैरह किसी का भी कुछ अभी किया नहीं गया है। इसमें तहरीर मिलने के बाद ही इसमें कोई कार्रवाई की जाएगी। ठीक है।